नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सरकार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन के इस पांचवें वीडियो में, जिसका शीर्षक है जानिए हिम ऑर्गेनिक को। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से वादा किया था, तो इस वीडियो में आज आप हिम ऑर्गेनिक की शुरुआत, इसका विजन, मिशन और देख पाएंगे आप इनकी प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ अंश भी। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिम ऑर्गेनिक ही क्यों। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह मामला कोई राजनीतिक या मनोरंजन का नहीं, बल्कि उस आहार का है जिसे हम और आप खाते हैं। क्योंकि जब खाना होगा शुद्ध, तभी तो तन भी रहेगा स्वस्थ, जिसमें खुश रह पाएगा आपका मन भी। तो सबसे पहले बात हिम ऑर्गेनिक ही क्यों। ऑर्गेनिक फूड्स की पैदावार के लिए उस मिट्टी को भी जैविक बनाना पड़ता है जिसमें इसकी खेती होती है, जिसमें काफी समय भी लगता है, लेकिन वो मिट्टी कई वर्षों की प्रोसेसिंग के बाद और देखरेख के बाद ही जैविक बनती है। लेकिन हिमालयन क्षेत्र की मिट्टी कुदरती जैविक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कृषि कार्य लोग अपने ही खाने के लिए करते आए हैं। यहाँ पर रहने वालों के लिए कृषि संबंधी कोई रोजगार या व्यवसाय भी नहीं है, और यही मुख्य कारण है कि यहाँ पर बसे हुए लोग और परिवार रोजगार और व्यवसाय की तलाश में प्लेन्स पर बसने लगे। हिम ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्ट्स इसी कुदरती जैविक मिट्टी की पैदावार हैं। इसके प्राइस अन्य ऑर्गेनिक फूड्स मैन्युफैक्चरर्स के कंपैरिजन में बेहद कॉम्पिटिटिव हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के सर्टिफिकेशंस के साथ है, जिसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में दी थी और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हिम ऑर्गेनिक की शुरुआत कैसे हुई। वर्ष 1999 में बहुत छोटे स्तर पर हिम ऑर्गेनिक की स्थापना कोऑपरेटिव सोसाइटी के आधार पर की गई। इसे अब हिमालयन ऑर्गेनिक औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसके पीछे विचार था कि स्थानीय उत्पादनों को बाजार मिले और किसान आत्मनिर्भर हो सके। इसकी शुरुआत मौन पालन केंद्र से हुई। हिम ऑर्गेनिक ने बहुत ही कम समय में अपने उत्पादों से उपभोक्ताओं में पहचान बनाई है। उत्तराखंड में स्थानीय उपजों से रोजगार पैदा करने के लिए हिम ऑर्गेनिक ने ध्वजवाहक का काम किया है। आज उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी हिम ऑर्गेनिक के उत्पाद अपना स्थान बना चुके हैं। हिम ऑर्गेनिक के पास बैजनाथ में अपना औद्योगिक परिसर है। इसमें आधुनिक मशीनों द्वारा बहुत हाइजेनिक तरीके से उत्पाद बनाए जाते हैं। सारे उत्पाद जैविक रूप से पंजीकृत हैं। इस समय बैजनाथ औद्योगिक परिसर में जैम, जूस, अचार, मसाले, मल्टीग्रेन आटा, दाल, चाय, चावल, बिस्कुट, नमकीन सहित लगभग 54 से भी अधिक जैविक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। अब इसके विजन की बात करते हैं। इसका विजन है ग्राहकों और निर्माता के बीच ठोस गठबंधन का, जिसके लिए हिम ऑर्गेनिक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्टॉक पॉइंट बनाने के लिए तत्पर है। ये आपको बिना किसी पूंजी निवेश के रोजगार के अवसर भी देती है अपने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस प्लान के माध्यम से। और इस तरह से हिम ऑर्गेनिक का मिशन है यहाँ के ग्रामीण लोगों को उनके उत्पाद के लिए वैश्विक बाजार प्रदान कर उनकी आजीविका को बढ़ाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और पलायन पर भी रोक लग सके, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना और उसके लिए सभी को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाना। और अब मैं आपको सीधे इसके प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ हिस्सों में ले चलता हूं, जहां मैंने खुद हिम ऑर्गेनिक के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिलने के बाद इस वीडियो को शूट किया था। अगर आधा किलो वाले
हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हिम ऑर्गेनिक की प्रोसेसिंग यूनिट को। आज ऑर्गेनिक फूड्स का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मूल कारण है मिडिल क्लास लोगों में इसकी बढ़ती जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की गंभीरता की। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट हो या इकोनॉमिक टाइम्स, entrepreneur.com या prnewswire.com का आर्टिकल हो, ये सब के सब बताते हैं कि भारत की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक ऑर्गेनिक फूड्स का कारोबार 12,000 करोड़ का हो जाएगा, जो अभी 4,000 करोड़ है। इसके अलावा बेहद गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत की टोटल GDP में
आने वाले समय में ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। दोस्तों, अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको हिम ऑर्गेनिक के अलग-अलग प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये वही प्रोडक्ट्स होंगे जिन्हें हम आहार के रूप में खाते हैं। मिलावट के इस दौर में बेहद जरूरी है कि हम और आप सबसे पहले अपने आहार को सुरक्षित करें, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा सुरक्षित, तभी तो खुश रह पाएंगे हमारे अपने भी। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने इस दोस्त अमित सरकार को। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में जल्द ही।